सबको कवि तब तक पसंद है जब तक उनके जैसा बोले। मशहूर कवि कुमार विश्वास को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब में दर्ज एक मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। ये मामला आपके एक नेता की शिकायत पर पंजाब के रोपड़ में दर्ज किया गया है। कुमार विश्वास पर आरोप है कि उन्होंने केजरीवाल के खालिस्तान से संबंध के गलत आरोप लगाए थे। बता दें कि कुमार विश्वास के खिलाफ कई धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। इनमें हमला करने और आपराधिक साजिश की धाराएं भी शामिल हैं। कुमार विश्वास के अलावा कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। लांबा पर विश्वास द्वारा की गई टिप्पणी का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि कुमार विश्वास ने ये बयान पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिया था। केस दर्ज होने के बाद कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट का रुख किया था। कुमार विश्वास ने अपनी याचिका में पंजाब में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रूपनगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामला कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग और राजनीति से प्रेरित है। हालांकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अभी तक कुमार विश्वास पर दर्ज हुई एफआईआर को रद्द नहीं किया है, लेकिन हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगा दी है। बता दें कि पंजाब में रूपनगर के सदर थाने में 12 अप्रैल को कुमार विश्वास के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था। कुमार विश्वास ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। पंजाब पुलिस 20 अप्रैल को गाजियाबाद स्थित विश्वास के घर भी पहुंची थी और उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था।